क्या ऐसा हो सकता है कि हमें रोमन रेंस का एक ट्रिपल सेट मैच देखने को मिल सके फ्यूचर में? तो हाँ गाइस, ये 100% आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा प्रिडिक्शन बताया जा रहा है। और तो और गाइस, रोमन रेंस और बड़े बड़े सुपरस्टार के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, क्या कुछ हो रहा है मैं सब कुछ आपको इन डिटेल आज की वीडियो में बताने वाली हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत जल्दी एक बार लाइव आऊंगी जहां पे आप लोगों से बातें करूंगी। और आपको एक और गुड न्यूज दे दूं, आप जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हो कंटिन्यूस, आपको जल्दी फेस कैम दिखने वाला है सारा वीडियो। तो गाइस देखो, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताई कि हमें रोमन रेंस का एक ट्रिपल सेट मैच देखने को मिलने वाला है, और उसी मैच में हमें आमने सामने दिखने वाले रोमन रेंस, सोलो शिकवा और कॉडी रोड्स एक साथ। और जैसा कि आप लोग जानते हो, रोमन रेंस और सोलो शिकवा बंदर दोनों का भी करंट टाइम में एक ही दुश्मन है, वो है कॉडी रोड्स। वैसे अगर मैं आपको कॉडी रोड्स के बारे में बोलूं तो कॉडी रोड्स जब से अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बने, उसके बाद केवल 1-in-1 मैच में ही टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। ऐसा नहीं हुआ है कि दो दो बंदे उनके साथ फाइट कर रहा है। गाइस देखो, अगर ये मैच पॉसिबल होता है तो फायदा तो सिर्फ हमारे रोमन रेंस का ही होने वाला है, क्योंकि सोलो शिकवा बंदर और कॉडी रोड्स दोनों ही करंट टाइम में रोमन रेंस के दुश्मन जैसे हैं। आप लोग के मन में एक सवाल हो रहा होगा ना कि रोमन रेंस ने क्यों हेल्प किया था SummerSlam में कॉडी रोड्स को। तो गाइस देखो, भले ही उस टाइम रोमन रेंस हेल्प कर दिए कॉडी रोड्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, रोमन रेंस ये बात कभी नहीं भूलेंगे कि कॉडी रोड्स के वजह से ही वो WrestleMania 40 में हारे थे और उनका स्ट्रीक खत्म हुआ था। और गाइस, मुझे भी पर्सनली नहीं लगता है कि रोमन रेंस और कॉडी रोड्स एक साथ फ्रेंड बनकर रह सकते हैं फ्यूचर में। वैसे गाइस, आप ऐसा कह सकते हो कि ये मैच का होने का चांसेस 50%। वैसे आपको क्या लगता है कि ये मैच होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, जो लोग भी कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी पूछते हो, मुझे काफी अच्छा लगता है रिप्लाई देने में भी, इसलिए आप लोग पूछ रहे मैं सबका रिप्लाई दूंगा। और गाइस, रोमन रेंस को लेके एक और न्यूज आ रहा है कि रोमन रेंस का आपको एक मैच देखने को मिल सकता है बैश इन बर्लिन। और तो और गाइस, रोमन रेंस को लेके एक और मैच फिक्स हो गया WrestleMania 41 को लेके। लाइक आप ऐसा बोल सकते हो कि 90% चांसेस है कि ये मैच आपको देखने को मिलने वाला है, वो होगा रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का। वैसे भी गाइस, WrestleMania 41 को लेके अभी बहुत लंबा टाइम बचा हुआ है, बट फिर भी WWE तो पहले से ही प्लानिंग कर लेती है ना। डैब ने रिसेंटली ये ट्वीट करके बताया है कि ये दोनों का मैच हमें देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, आप ऐसा समझो कि कंफर्म भी हो सकता है। और गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो, डैब जो भी प्रेडिक्ट करते हैं वो काफी यूनिक और सटीक रहता है उनका प्रेडिक्शन, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि ये मैच देखने को मिलने वाला है। वैसे अगर आप सोच रहे होगा कि सोलो शिकवा के साथ मैच कब होगा, तो सोलो शिकवा के साथ तो मैच इस बार 2024 में ही कभी हो जाएगा। और तो और गाइस, अभी WWE में काफी बड़ा वाला फ्यून चल रहा है, और बहुत सारे लोग तो प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं कि सोलो शिकवा और रोमन रेंस का आइकॉनिक वाला फ्यून देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि सोलो शिकवा बंदर खुद को बोलता है कि वो ट्राइवल शिप है। ठीक है गाइस, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वही ट्राइवल शिप है, बट ओरिजिनल ट्राइवल शिप कौन है तो आपको पता ही है। और रोमन रेंस वो टी शर्ट इसलिए पहन के आए ताकि वो प्रूफ कर सके कि करंट टाइम में भी ट्राइवल शिप कौन है। सभी कोई बोल रहे हैं गाइस कि सोलो शिकवा बंदर बहुत जल्दी अटैक करने वाला है रोमन रेंस के ऊपर। जिस तरह से अनाउंसमेंट टेबल पे सभी कोई को पटका था, वैसा सेम ही रोमन रेंस के साथ होने वाला है। पता नहीं गाइस, मुझे नहीं चाहिए कि ऐसा हो। और गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात के बारे में बोलूं तो आपको बहुत जल्दी ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलने वाला है WWE में। और जो लोग भी ब्रॉक लेसनर के फैन हो, उन्हें तो पता ही होगा कि ब्रॉक लेसनर अपना ब्लास्ट बार यानी कि प्रीवियस एंट्री किए थे SummerSlam 2023 में। और तो और इस बार कभी SummerSlam जा चुका है लगभग गाइस, सोचो एक साल हो गया हम लोग ब्रॉक लेसनर को नहीं देखे WWE TV पे। और तो और अभी से ये अजम्पशन बताया जा रहा है कि 2024 के टाइम, यानी कि आप ऐसा समझो कि इस ईयर 2024 में ही हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है ब्रॉक लेसनर का। और गाइस, एक बार अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर लिए तो ना ही फैंस को खुशी होने वाला है, बल्कि WWE को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से। जैसा कि आप अभी देख लो, रोमन रेंस आए तो WWE कितना ज्यादा कमाई होगी पैसा, मतलब कि बहुत सारे सुपरस्टार ये प्रिडिक्ट किया है लाइक 80% चांसेस है कि इसी ईयर आपको फिर से ब्रॉक लेसनर दिखने वाले हैं WWE टेलीविजन पे। वैसे गाइस, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आपको क्या लगता है कि कब तक ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने वाले, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और लास्ट और आज का फाइनल टॉपिक के बारे में बोलूं तो आपको बहुत जल्दी द रॉक भी दिखने वाले हैं। WrestleMania 40 के बाद जब द रॉक गए थे तो वो मूवी शूटिंग पे चले गए थे, यानी कि स्मैशिंग मशीन करके एक मूवी का शूटिंग करते हुए दिखाई दिए थे द रॉक। अब तो कंप्लीट हो चुका है वो मूवी। वैसे भी गाइस, आप एक बार देखे थे WrestleMania 40 के बाद फर्स्ट रो में हमें देखने को मिले थे द रॉक, उसके बाद से आप देख लो लगभग हाफ 2024 खत्म होने वाला है, बट फिर भी हमें नहीं देखने को मिले द रॉक। और द रॉक तो कॉडी रोड्स को धमका के भी गए कि वो आते ही बदला लेने वाले हैं। तो आप गाइस समझ लो, कॉडी रोड्स द रॉक का कुछ अलग ही चलने वाला है फॉर फ्यूचर में। 2024 से इन दोनों का फ्यून डेंजरस वाला स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस, मैं डेट नहीं बता सकती, बट आपको बता सकती हूँ विंटर के टाइम नवंबर दिसंबर में द रॉक आपको देखने को मिल सकते हैं फिर से। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हां गाइस, मैं हर दिन ट्राई
करूंगी कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करने का जितना मेरे हद तक हो सकेगा मैं ट्राई करूंगी। आप लोग बस सपोर्ट करते रहना मुझे एंड तक।